तो नमस्ते जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो इस ब्रांड न्यू सीरीज में हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली से उत्तराखंड की ओर, और इस पूरी सीरीज के दौरान हम आपको ले जाएंगे उत्तराखंड के दो प्रमुख हिल स्टेशन में, नैनीताल और मुक्तेश्वर। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। अंकल, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को कंटेंट देना, लोगों को सपोर्ट कर देना अंकल। हैं सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस्टैब्लिश। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की हसीन वादियों की ओर। नए लोगों से मिलके आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं मगर उत्तराखंड। तो इस सफर में हमारे साथ पूरी तरीके से बने रहिएगा, और जैसे भी होगा। और इस बार तन्वी और मम्मी हमारे साथ नहीं जा रही हैं, हर ब्लॉग में आपने उनको देखा होगा। तो अब चलो मम्मी, है जा रहा हूँ, चलो अभी बैग तो उठा लूंगा। जाते जाते हम भगवान के दर्शन आपको करा देते हैं एक बार। बैग तो उठा लो। अरे यार ला, चुप हो जा, चुप हो जा। हम सफर चलो। गाइस, हम निकल चुके हैं अपने नए सफर की ओर, और अभी हम तीन थे जैसे कि आपने देखा, तो हम छह हो चुके हैं, एक्चुअली सात हो चुके हैं, क्योंकि भैया भी हमारे साथ है। भैया नाम बताइए अपना। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, आप बातों में समझने की कोशिश करना कि हनी ने कटवा लिए थे रात को बाल, और सुबह हमारे जीजा जी लेके जा रहे हैं नैनीताल। तो आप समझ गए होंगे हम नैनीताल की ओर निकल चुके हैं, और अब जैसे जैसे होगा आपको इस सफर में मजा आने वाला है, तो बने रहे लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और एंड तक पूरी तरीके से वीडियो देखना, और मजा आए तो लाइक जरूर करके जाना। सो इस ब्यूटीफुल सनराइज को एंजॉय करते हुए हम हापुड़ से गढ़ मुक्तेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप भी अब दर्शन करिए गंगा नदी के। तो बोलिए गंगा मैया की जय। 2000 years later. तो ये गाइस अभी रुके थे वॉशरूम के लिए, और वॉशरूम ब्रेक तो अभी ले लिया है, सीएनजी भरवा लिया है, क्योंकि आगे तो मेरे ख्याल से सीएनजी है नहीं। काशीपुर हम पहुंच गए हैं, और टाइम हुआ है 7:50। काशीपुर से जस्ट पहले हम अभी रुके हैं। बाकी खाने पीने का तो अपने पास जुगाड़ है, तो ये तो ज़रूरी नहीं कि किसी ढाबे पे रुके या कहीं कुछ खाए पिए, तो CNG भरवाना जरूरी था। CNG वाली गाड़ी है भैया की, CNG भरवा ली, अब आगे चलते हैं, और जो भी होगा बताता रहूँगा आपको, जैसा भी होगा चलता। अरे दिवांशी, दिवांशी तू बैंक दिखाएगा एक बार। One hour later. So finally हमने छोटा सा ब्रेक लिया और रुके अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए, और यहाँ पर हमने बड़े मजे से लुफ्त उठाया सैंडविचेस का, परांठों का, और बड़ी प्यारी सी गर्मा गर्म चाय का। ओ आई एम सॉरी, मैं आप व्यूअर्स से पूछना तो भूल ही गया, बताइए आप क्या लेंगे? और यहाँ इस जंगल के रास्ते में हम लोग काल मूवी की चर्चा करने लगे। फ्लॉप रही है, मगर जिसको इंटरेस्ट है ना उसके लिए अच्छी है मूवी। उसके ना पूरा बताया गया बफर जोन, कोर जोन के बारे में, टाइगर कितना खतरनाक हो सकता है। Thank you.
तो फाइनली अब हम आ गए हैं एक लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पे इस सुंदर खूबसूरत वादियों के बीच। तो गाइस हम आ चुके हैं इस टाइम नैनीताल में, तालों का ताल सबसे बड़ा नैनीताल। तो इस टाइम नैनीताल में ऊपर चढ़ी रहे, भवाली वगैरह का क्रॉस किया है अभी हमने। बड़ा शानदार नज़ारा, बड़ा शानदार व्यू, बादलों से पूरा घिरा हुआ है इस टाइम पे। और हमारे जो फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं आया हूँ, जो मेरे साथ आए हैं, वो सब इस टाइम फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो उनके पास आपको ले चलता हूँ। और ये हमारे भैया थोड़ा रेस्ट पे है इस टाइम पे, काफ़ी टाइम हो गया इनको गाड़ी चलाते हुए। आप व्यू देखो, व्यू कितना बेहतरीन व्यू है। मजे कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छी आई है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो यूं बोलता हूँ। मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। 10-15 मिनट बाद ब्लॉग करूंगा, पहले इनके मैं कर दूं काम। नॉर्मल वाली है ना, कौन सा खाएगी, कौन सा खाएगी। एक तकिया हमारे पास देख, तुझे ऐसा ही लग रहा है सामने वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। लग रहा है वो पीछे से, इसलिए पीछा नहीं कर रही थी, उसे पता चल जाएगा ना। और जहां ये सफर अभी तक बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, पर अब इस सफर को नजर लगी और हम फंसे एक बेहद ही लंबे जाम में। भाई सब हर जगह जाम, हर जगह जाम, जहां भी जा रहा हूं वही जाम में फंस रहा हूं। ससुरी किस्मत ही खराब हो रही है। मौसम इतना प्यारा और जाम दुनिया भर का। भाई जाम देखो कितना बुरा जाम हो रहा है, फंसे पड़े बुरी तरीके से। वहाँ हमारी गाड़ी कहीं लगी हुई है, हम जाम देखने यहाँ पर आए और वापस ही जाएंगे, यहीं तक गाड़ी आएगी, यहीं रुके रहेंगे। कहाँ है ओ ओ ओ ओ, वो देखो जाम वहाँ से कंटिन्यू लगता हुआ, यहाँ से कंटिन्यू आता हुआ, अरे ये ऊपर तक जा रहा है। इतना जाम और वादी देखो, वादी की खूबसूरती मगर हम एंजॉय कर रहे हैं। वादी खूबसूरती देखो, ये बादल, ये मौसम, ये हवाएं, ये रुत, फोन नहीं मिल रहा। आ रहे होंगे, दिख जाएंगे, दिख तो गए थे, यहीं रुके रहते हैं, आ जाएंगे। तू बोलियो ऐसे कि भैया हमने छुड़वाया, वही वाला इशारा करियो। भाई अभी तक तो जाम था, हम आए थोड़ा और जाम खुल गया। ऐसा बात है नहीं वैसे, ऐसी बात है नहीं वैसे, मगर हम चमकाएंगे थोड़ा सा। वीकेंड में तो कभी मत आओ यार, बोल रहा हूँ मत आना। क्या हो गया इसको देवांशी को? ओ भाई साहब, ये चलो चलो खेचो खेचो खेच दो, अभी है जाम। तो भाई लोग यहाँ पे इस वजह से गाड़ियों का जाम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग चल रही है, जिसका होटल बुक नहीं है वो नहीं जा सकता आगे, और जिसका होटल बुक है सिर्फ उसको ही पेपर या फिर बुकिंग दिखाकर फिर वो आगे जाएगा। चल अगर आपके परमिट है तभी आप आगे जा सकते हो। हैं कितना दूर रहेगा सर नैनीताल यहाँ से? अब 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर खाली है सारा रास्ता आगे फिर? अब चलो भाई खाली है, आगे निकलेंगे।
देखा आपने किस वजह से जाम लग रहा तगड़ी तरीके से, फंस गए भैया फंस गए। और हाँ, जिनकी होटल वगैरह नहीं है बुक, उनको इस पार्किंग में नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ अपनी गाड़ी करो और फिर कैसे भी करके ऊपर जाओ। जिनकी होटल बुक है तो वो सीधा होटल की पार्किंग में खड़ी करो। निकलते हैं, गाड़ी लगी हुई है हमारी, बस दो तीन गाड़ी थी चाहिए हमारी गाड़ी है। और फिलहाल पानी पीते हैं यहाँ पे, यहाँ पे खड़ी करो अपनी गाड़ी और निकलो फिर जैसे भी जाना है। फिलहाल पानी भरते हैं बहुत लोग अंदर। ले भैया के, भैया के भरते ढक्कन। हाँ